गाइस, जब भी हम YouTube ग्रोथ के लिए कोई वीडियोस देखते हैं या फिर हम किसी से भी सजेशन लेते हैं तो हर कोई हमें यही बोलता है कि भाई अपने कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट इज द किंग। लेकिन वास्तव में ये कंटेंट होता कैसे है ये बात हमें कोई नहीं बताता। हमें अपने कंटेंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे डिज़ाइन करना है ताकि हम अपने ऑडियंस को कनेक्ट कर सकें। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी देते हैं, लेकिन वो अपने ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उनके चैनल पे ट्रैफिक आना कम हो जाता है और एट द एंड उनका चैनल डेड हो जाता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं जिनका यूज करके आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने चैनल के ग्रोथ को जहाँ से जहाँ तक ले जा सकते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लें। तो चलिए फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर वन, रिसर्च द ऑडियंस। दोस्तों, जब भी आप YouTube पे कोई वीडियोस बनाते हैं या फिर कोई ब्लॉग लिखते हैं तो अपना टॉपिक फाइंड करने से पहले खुद से आपको ये डिस्कस करना है कि आप जिस टॉपिक पे अपना वीडियो बना रहे हैं क्या आपका ऑडियंस उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है भी या नहीं। मान लीजिए आपका कोई गेमिंग चैनल है और आप टेक चैनल की कोई वीडियो बना रहे हैं। मान लीजिए आपके पास जो ऑडियंस है वो 18 से 25 साल की है और आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो 50 से 55 साल वालों की है, तो आपकी जो ऑडियंस है वो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी और इससे भी आपके चैनल पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा और धीरे धीरे आपका भी चैनल डेड हो जाएगा। तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप कंटेंट लिखे, स्क्रिप्ट लिखे, तो उसके पहले आप खुद से ये फाइंड कर ले कि आपका जो ऑडियंस है वो किस कैटेगरी का है। और दोस्तों, YouTube हुआ या फिर कोई वेबसाइट हुआ, सबके एनालिटिक्स में जाकर आप देख सकते हैं कि आपका जो चैनल है या फिर ब्लॉग है इस पे कहां से ट्रैफिक आ रहा है, किस एज के ऑडियंस है, तो आप उस हिसाब से उनको वीडियोस प्रोवाइड करें। नंबर टू, रिसर्च द वीडियो। दोस्तों, मान लीजिए आपने पहले स्टेप को फॉलो किया और आपके पास एक टॉपिक मिल चुका है। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। अब आपको सिंपली करना क्या है, जाना है यूट्यूब के सर्च बार में और वहाँ पे आपको सर्च करना है हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे टॉप वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिन पे अच्छे अच्छे व्यूज होंगे और वो अच्छे अच्छे क्रिएटर के वीडियोस होंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है कि उन वीडियोस को देखना है, एक एक करके कम से कम 5 से 10 वीडियो देखना है जो टॉप के वीडियोज हैं, और आपको देखना है कि उन्होंने अपने वीडियोज में कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की है और साथ ही साथ उन्होंने कौन सी कमियाँ की है उसको आपको अपने वीडियो में डालना है। उनके प्रेजेंटेशन को देखिए, उनके कम्युनिकेशन स्किल को देखिए और उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करना है ताकि अब आप जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनसे बेहतर क्वालिटी का हो। नंबर थ्री, डिज़ाइन द स्क्रिप्ट। दोस्तों, मान लीजिए आपने दूसरे स्टेप को फॉलो किया, अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके मन में एक मैप बन चुका है कि हाँ, हमें इस तरह की वीडियो बनाना है, तो उसके बाद बेहतर होगा कि आप अपने वीडियो के लिए एक स्क्रिप्टिंग करें। अगर आप स्टार्टर हैं तो आपको स्क्रिप्टिंग करने ही करनी चाहिए। अगर आप पुराने क्रिएटर हैं, आपकी कुछ मार्केट वैल्यू बन गई है और कुछ परफॉर्मेंस सुधर गया है, तो आप विदाउट स्क्रिप्ट भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप नए क्रिएटर हैं तो आपको स्क्रिप्ट लिखना ही लिखना है। अब स्क्रिप्ट लिखने का एक बेसिक फार्मूला तो आप सबको पता होगा कि सबसे पहले आपको इंट्रो पार्ट लिखना है, इसके बाद बॉडी पार्ट लिखना है, इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। इंट्रो पार्ट में आपको एक ओवरव्यू देना है कि आज के इस वीडियो में आप क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं, और बॉडी पार्ट में आपको डिटेल देना है, और कंक्लूजन में आपको सारे स्टेप को पॉइंट बाई पॉइंट बता देना है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि वीडियो बनाते टाइम आप कम से कम कॉल आउट करें, जैसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉल आउट करते हैं जिससे ऑडियंस बोर हो जाती है, तो आप अपने वीडियो में कम से कम कॉल आउट करें। नंबर फोर, इम्प्रूव योर ऑडियो। दोस्तों, आपकी वीडियो, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें तो आपके कंटेंट का हिस्सा होती ही होती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी ऑडियो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कंटेंट को इम्प्रूव करने में। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी ब्लरी है, थोड़ी सी सेकी है, तो आपके वीडियो का काम चल जाता है, लेकिन अगर आपके ऑडियो के साथ आप समझौता करेंगे तो हो सकता है कि आप मार्केट में कंपटीशन ना कर पाए। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो माइक में इन्वेस्ट करिए। जरूरी नहीं है कि आप शुरू में कोई महंगा माइक लीजिए, बोया माइक आता है 600 से 700 में, इजीली उसको परचेज करिए। या फिर अगर आपका कोई वॉइस ओवर चैनल है तो आपके मोबाइल फ़ोन से बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप मोबाइल से अपने ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करिए, जहाँ से आप अपने कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर फाइव, वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल। दोस्तों, चारों स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको एक रॉ मटेरियल अच्छा खासा मिल जाएगा। अब बारी आती है आपको वीडियो एडिटिंग करने की। तो दोस्तों, जब भी आप वीडियो एडिट करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपनी वीडियो को एंगेजिंग बनाना है। मान लीजिए ऑडियंस आपकी वीडियो पर रुकी हुई है तो उसे थोड़ा सा भी बोर फील नहीं होने देना है। इसके लिए आपको अपने वीडियो में अच्छे अच्छे इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, ट्रांजिशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, टेक्स्ट, इन सारे चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है ताकि आपकी ऑडियंस बोर ना हो और आपकी वीडियो पे टिकी रहे। अब अगर थंबनेल की बात करें तो दोस्तों, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका थंबनेल।
मान लीजिए आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके एक अच्छा खासा वीडियो बना लिया, लेकिन अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो कोई भी आपके वीडियो पे क्लिक ही नहीं करेगा। जब क्लिक ही नहीं करेगा तो उसे क्या पता चलेगा अंदर खजाना है या कोयला है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने थंबनेल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, एक क्रिएटिव और क्लिकेबल थंबनेल बनाएं। अगर आपको क्लिकेबल और क्रिएटिव थंबनेल बनाना नहीं आता है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।